नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी 19-20 अक्टूबर को गुजरात में रहेंगे। इस दौरान वे गुजरात के करीब 15,670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अक्टूबर को ही सुबह लगभग 9:45 पर गांधीनगर के महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में डिफेंस एक्सपो 22 का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री अडाल्ज में ही मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का ही शुभारंभ करेंगे। दोपहर करीब 3:15 पे वो जूनागढ़ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद ही आपको बता दें कि शाम को करीब 6 वो इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे और राजकोट में कई प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गोंडा में स्कूल जा रहे 4 बच्चों की तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मारकर हत्या कर दी है और वही दुर्घटना में ही 3 बच्चों की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि एक बच्चा घायल भी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लखनऊ गोंडा हाईवे में मौजूद चोरी चौराहे के पास हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों को ठोकर मारने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के धुंधरी गांव में गैंगस्टरों का पुलिस प्रशासन का हंटर चला है और गोवंश अधिनियम गैंगस्टर एक्ट के तहत ही आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के आरोपियों की 35 लाख की संपत्ति को कुर्क भी कर दिया गया है। वहीं गैंगस्टरों के 4 मकानों पर पुलिस प्रशासन ने सील लगाकर कुर्क कर दिया है। अलीगढ़ में शराब कांड जैसी बड़ी घटना के बावजूद अवैध शराब पर अंकुश नहीं लगा है। दरअसल पूरा मामला थाना गांधी पार्क क्षेत्र के डोरी नगर का है, जहां देशी शराब के ठेके पर सुबह 6 से ही शराब की बिक्री शुरू हो जाती है। वहीं स्टिंग करने के बाद ही विभागीय टीम को बुलाकर ठेके पर कार्रवाई कराई गई और मौके पर पुलिस आबकारी अधिकारी मौजूद रहे। आज जन टीवी के मीडिया कर्मियों द्वारा अवगत कराया गया था कि डोरी नगर देसी शराब पर विक्रेता द्वारा एक होल से शराब की बिक्री की जा रही है। इस पर हम लोग मौके पर आए और थाना गांधी पार्क से उपनिरीक्षक और मैं लेफ्ट के मौजूद थे और हमने मौके पर देखा तो दुकान का शटर बंद था। मीडिया कर्मियों द्वारा एक वीडियो दिखाया गया, उसमें स्पष्ट था कि उसका विक्रेता दुकान का होल से किसी व्यक्ति को एक पौआ बिक्री कर रहा था। उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा हमें जो है उसका जो बिक्री किया है वो पौआ भी हमें उपलब्ध करा दिया गया है। हमने तत्काल मौके पर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें प्रकरण जो है विक्रेता द्वारा निर्धारित समय जो शराब की दुकानों का होता है सुबह 10 से रात 10 तक तो उससे पूर्व बिक्री करने का पाया गया है। रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। रिपोर्ट आगे जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाएगी। आवश्यक कार्रवाई। ये विक्रेता का क्या नाम है? विक्रेता का नाम अभी जो है जब सेल जब दुकान खुलेगी और लाइसेंस में देख के हम लोग उसमें क्लियर करेंगे और आगे डालेंगे। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र में 9 भवनों और दुकानों के अतिक्रमण पर नगर निगम का बुलडोजर चला है। रायवाला और नगर निगम के बुलडोजर से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया है और वहीं स्मार्ट रोड के नाला निर्माण में बन रहा अवरोध अतिक्रमण कार्यों को 3 दिन पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। योगी सरकार में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दुकानदार द्वारा चौथ वसूली ना देने पर करीब आधा दर्जन दबंगों ने दुकानदार को दौड़ा दौड़ा कर डंडों और लात घूसों से जमकर पीटा है। खबर उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के डुंडला क्षेत्र से है, जहां ग्राम उसाइनी में मौजूद वैष्णो धाम मंदिर पर घोष बाबू नामक दुकानदार प्रसाद आदि की दुकान लगाए बैठा था और तभी ग्राम नागू निवासी ही पंच कुकु भीमा और राजेश अपने एक अन्य साथियों के साथ डंडे लेकर दुकान पर पहुंचे और चौथ मांगने लगे और दुकानदार घोष बाबू ने ही जब चौथ देने से मना किया तो उक्त दबंगों ने दुकानदारों से कई पैसे भी वो लूट लिए और दौड़ा दौड़ा कर डंडों और लात घूसों से जमकर पीटा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना के बाद से ही पीड़ित
थाना डुंगला पहुंचा, जहां उसने घटना की लिखित शिकायत दी है। वहीं पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।